बुधवार मूर्ति विसर्जन के दौरान सिला थाना क्षेत्र के भुई बाजार में एक एएसआई शशिभूषण पासवान व एक चौकीदार दीपक पासवान को कर्तव्य में लापरवाही एवं ड्यूटी के दौरान शराब पीकर मारपीट करने के आरोप में डीएसपी ने अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में पीड़ित भुई पंचायत के पूर्व मुखिया पति सुधीर कुमार ने सिलाव थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि मैं भुई बाजार से घर वापस लौट रहा था, इसी बीच एएसआई और चौकीदार ने बेवजह डंडे से मारने लगे। वह सीधे से खड़े होने की भी स्थिति में नहीं थे। मैं किसी तरह भागकर वहां से अपना बचाव किया और इसकी सूचना सीधे डीएसपी एसडीओ राजगीर को आकर दी। सूचना मिलते ही दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर एएसआई और चौकीदार को अपने कब्जे में लेते हैं, जिसके बाद मुखिया पति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में नालंदा एसपी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आ चुका है। वहीं पूर्व मुखिया के आरोप पर एएसआई और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शराब पीने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमको बहुत गलानी है ये बात का, इसलिए हम अनजान में नहीं, अनजान में कैसे सर, वो हमको घर पर जाकर के एगो सुपरविजन में गए थे, एगो मैडम के साथ जो हमको बयान लिए हैं, आप कहता है अनजान में है जी, पूरा पिए हुए। हाँ दोनों चौकीदार सर, छोटा बाबू का नाम कोई पासवान है सर, और चौकीदार का नाम दीपक है, गोरमा के बलेसर पासवान का बेटा, दोनों शराब पिए हुए सर। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं सर कि उनको जांच करा लिया जाए, शराब की पुष्टि होती है उन पर कार्रवाई किया जाए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।